जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड बटन को दबा के जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल को जरूर हिट करें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और नीचे स्क्रॉल करके कमेंट बॉक्स में जरूर से फीडबैक दें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चाय शाय। आज चाय शाय में मैं लेके आई हूँ एज फॉर डिमांड कुल्फी की रेसिपी। हम आज बनाने जा रहे हैं 3 तरह की कुल्फी, जो कि बहुत आसान है और इंग्रीडियंट्स हमें घर पे इजीली मिल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं और हाँ, वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। कुल्फी के लिए सबसे पहले हम दूध को गर्म चढ़ाते हैं। ये मैंने दूध चढ़ा दिया है और इसको गर्म होने देते हैं। दूध हमारा गर्म हो गया है, अभी फ्लेम को हम मीडियम में रखेंगे और इसको गाढ़ा होने तक सिझने देंगे। और ध्यान है कि इसको मिलाते रहेंगे, वरना दूध जो है किसी टोकरे में चिपक जाएगा। दूध हमारा सीज के 1/4 हो गया है, देखिए काफी गाढ़ा हो गया ये। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको एकदम अच्छे से ठंडा कर लेंगे और फिर हम इसकी कुल्फी जमाएंगे। दूध हमारा ठंडा हो गया है, देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब क्योंकि हम 3 तरह की कुल्फी जमा रहे हैं तो दूध को हम डिवाइड कर लेते हैं। ये मैंने दूध निकाल लिया है, इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर। 3 टीस्पून मैंने पाउडर शुगर डाला है, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हम इसमें डालेंगे ये बारीक कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए पिस्ता, डालेंगे इसमें इलायची पाउडर और ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। देखिए पूरा कुल्फी का कलर आ गया है। और इसको हम ग्लास में निकाल लेते हैं जिसमें हमें ये जमानी है। सेकंड कुल्फी के लिए हम ग्लास में दूध ले लेते हैं। इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून पाउडर शुगर। ये हम कम डाल रहे हैं क्योंकि हम इसमें डालेंगे ठंडाई पाउडर और क्योंकि उसमें ऑलरेडी शुगर है। इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून ठंडाई पाउडर। अगर आपने मेरी ठंडाई पाउडर की रेसिपी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा फूड कलर। इसको हम ग्लास में निकाल लेते हैं जिसमें हमें ये आइसक्रीम जमानी है। अब हम लेते हैं अपने थर्ड कुल्फी के लिए, ग्लास में लेते हैं दूध। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून पाउडर शुगर। इसमें भी हम पाउडर शुगर कम ले रहे हैं क्योंकि इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं गुलकंद। गुलकंद ऑलरेडी मीठा होता है। ये मैंने 1.5 चम्मच गुलकंद लिए है इसके लिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब भी कुल्फी जमाओ दूध को हमेशा ठंडा करके ही गुलकंद मिलाना है, नहीं तो दूध हमारा फट सकता है। ये हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसको हम ग्लास पे ट्रांसफर कर देते हैं। हमारी कुल्फी जमने के लिए तैयार हो गई है। इसको हम फ्रीजर में रख देते हैं 8 से 10 घंटे के लिए। तो ट्रे को हमने फ्रिज से निकाल लिया है, कुल्फी हमारी जम चुकी है। ये आप देख सकते हो इस बाउल में पानी रखा है, इसको हम
भी जो है हमारे रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, तो हम इसको निकालेंगे तो दिखेगी नीचे। अब हम लेते हैं राइट, इसको हम 2 मिनट के लिए नॉर्मल रख कर देंगे ऐसे पानी में। तो ये है हमारी बलाई कुल्फी, जिसको हम पीसेस में कट कर देते हैं। हमने मलाई कुल्फी को निकाल दिया है, अब हम निकालते हैं ठंडाई कुल्फी को। ये देखिए अच्छी से निकल गई है, और इसको हम करेंगे पीसेस, और पीसेस करके हम इसको सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। इस तरह से हम अपनी तीनों कुल्फियों को निकाल लेते हैं। ये है हमारी गुलकन कुल्फी, जिसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे तीनों तरह की कुल्फी रेडी हो गई है, आप भी ये कुल्फी करके ट्राई करना, और कुल्फी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ आऊंगी।